आज हम आपको एक ऐसे मॉन्स्टर स्नेक के बारे में बताने जा रहे हैं जो धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जिसके आगे एनाकोंडा भी बच्चा लगता था। यह सांप का नाम है टाइटैनोबोआ स्नेक। हालांकि टाइटैनोबोआ सांप धरती से विलुप्त हो चुके हैं और इसके सबसे पहले जीवाश्म 2009 में कोलंबिया के लगवाजिरा कोयला खदानों में मिला था। यहां इसके 28 ढांचे मिले थे और इनको जोड़ने के बाद इनकी लंबाई देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। टाइटैनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के खत्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। यह सांप अभी के साउथ अमेरिका वाले हिस्सों में पाए जाते थे। हो सकता है यह और भी हिस्से में होते हो और अभी कहीं और इसके जीवाश्म न मिलने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। टाइटैनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है। यह आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में लगभग दोगुने और वजन में 4 गुना होते थे। टाइटैनोबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फुट होती थी और वजन 1000 से 1500 किलो के करीब था। टाइटैनोबोआ सांपों का इतना विशालकाय होना उस समय के तापमान को बताया जाता है, जो कि 90 डिग्री हुआ करता था, और यह ठंडे खून वाले जीव जैसे कि टाइटैनोबोआ को बढ़ने के किए अनुकूल तापमान था। समय के साथ साथ धरती का तापमान ठंडा होता गया और यही इन सांपों के विलुप्त होने का बड़ा कारण बना। टाइटैनोबोआ पूरी तरह से मांसाहारी होते थे। यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इतना वार इतना जोरदार होता था कि एक ही वार में शिकार मर जाता था। इतने काटने की शक्ति 400 पाउंड प्रति इंच मानी जाती है। टाइटैनोबोआ आजकल के बड़े सांपों जैसे कि एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकार तुरंत मर जाता था। टाइटैनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन यह बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय के सबसे बड़े एक मगरमच्छ को खाने के बाद यह लगभग साल भर कुछ भी नहीं खाते थे। टाइटैनोबोआ एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति है और वीडियो में दी गई सभी जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा इसके जीवाश्म पर शोध करके बताई गई है। अगर इसके बारे में अनुमानित जानकर सच है तो हमें खुश होना चाहिए कि यह विशालकाय सांप आज के समय में मौजूद नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते हम इस प्रकार की रहस्यमय और रोमांचक वीडियो अपलोड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।